हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एलजेब्रा की प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, इसमें आज हम रीड करेंगे लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ओके, तो अब देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। पहली बात तो बेटा एक चीज याद रखिए, लाइक टर्म्स के बीच प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फोर ऑपरेशन पॉसिबल है। ओके, और अनलाइक टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड ही पॉसिबल है, उसमें आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं लाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखिए, जहां पर वेरिएबल भी सेम हो, इसकी पावर भी सेम हो, कोफिशिएंट भी सेम हो, सारी चीजें जब सेम होती हैं तब ये हमारे लाइक टर्म्स होते हैं। सॉरी, कोफिशिएंट नहीं, सिर्फ पावर से मतलब है। ओके, जैसे कि एक्स है और ये थ्री एक्स है, बोथ आर लाइक टर्म्स। हमने लिया वाई स्क्वायर 7/2y², बोथ आर सेम बिकॉज वाई स्क्वायर इज सेम। ओके, पावर भी हमें देखनी है, कॉफिशियंट से मतलब नहीं होता है, कॉफिशियंट तो सिर्फ प्लस माइनस के लिए काम में आता है, बट वेरिएबल जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में दूसरे टर्म में भी होना चाहिए। इसी टाइप से और देखिए, जैसे कि जेड क्यूब और -3z³। ओके, तो ये तो बेटा हमारा कोफिशियंट होता है, आगे प्लस माइनस कोई भी साइन हो, बट जैसे कि जेड क्यूब और जेड क्यूब सेम है तो बोथ आर लाइक टर्म। ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। ओके, इसी टाइप से अनलाइक टर्म्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हमने लिया जेड क्यूब एंड जेड स्क्वायर, बोथ आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज पावर की वजह से, इसमें पावर डिफरेंट है। इसी टाइप से अगर हम देखें 3xy और 3yx, तो ये बेटा हमारे लाइक टर्म्स हैं, बट अगर इसमें मैं z और लिख देती हूँ तो ये हमारे लाइक टर्म हो गए। तो ये एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ 3xy एंड यहाँ पर हम 3 की जगह चलिए 8 यूज कर लेते हैं, 8yx, ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। ओके, xy यूज करें या yx यूज करें, बोथ आर सेम। ओके, बिकॉज मल्टीप्लीकेटिव इज कम्यूटेटिव। तो ये देखिए, ये हमारे अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पर z मैंने यूज किया है, तो ये हमारे अनलाइक टर्म हो गए। इसी टाइप से अगर हम देखें y एंड 3x, बोथ आर अनलाइक, इनके बीच में प्लस अगर हम लेंगे तो ये एज इट इज रहेंगे, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें x प्लस 3x, तो इसका रिजल्ट बेटा 4x आ जाता है। ओके, 3 ये और 1 ये, अगर इसके आगे कोई कोफिशियंट नहीं है, नहीं लिखा है, तो इसका कोफिशियंट 1 अज्यूम करते हैं। ओके, आई होप आपको लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंटरेस्टिंग नॉलेज और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।